नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। lalluram.com में आपका स्वागत है। पहली बार अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा दी जा रही है एनएसजी कमांडो की। सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि आने वाले समय में जो 28 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, अब जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी के कमांडोज पर भी होगी। पल पल पर नजर रखेंगे एनएसजी के कमांडोज और अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार का गतिरोध उसमें ना आए, इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला अमरनाथ यात्रा को लेकर लिया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में चंद रोज बाकी हैं। सीज फायर के दौरान आतंकियों के बड़े हौसलों को देखते हुए सरकार ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धालु अब जो है एनएसजी के कमांडो के सुरक्षा घेरे में होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों और नागरिकों को बंधक बना सकते हैं। एनएसजी की क्रेक टीम दूर से मार करने वाली स्नाइपर के अलावा ऑल पेनिट्रेशन रडार ग्लोक पिस्टल से लैस है। एनएसजी का गठन 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। सरकार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में जरा भी ढील की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि इस बार सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ एनएसजी कमांडो को भी यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। एनएसजी के साथ सीआरपीएफ की कंपनियां भी यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। बाहर से आई सीआरपीएफ की कंपनियों को कश्मीर के हालात से रूबरू कराने के लिए पहले ही 3 दिनों का क्रैश कोर्स कराया जा चुका है। अमरनाथ यात्रियों पर पिछले साल भी आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इस बार भी आतंकी साजिश का बड़ा खतरा अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों को खबर लगी है कि सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ आस्था की इस यात्रा के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। वर्तमान में कश्मीर में जो हालात है उसके मद्देनजर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाएं उन्हें पूर्ण सुरक्षा सरकार प्रदान करे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।